करें। सर, सेवेचो ग्रुप में आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? हाँ जी, मैंने सेवेचो के लिए, सेवेचो इंदौर के लिए पदभार ग्रहण किया है। उसका हमारा टॉप प्रायोरिटी अभी जो हमारी वैश्विक महामारी जो चल रही कोविड का, और कोविड में फिर से वापस नए स्ट्रेन के साथ केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमको ये है कि टेस्टिंग बढ़ाएं हम लोग, रिजल्ट टाइम पे आ जाए, और उसके साथ ही साथ लोगों में भी एक अवेयरनेस जगाएं कि किस तरह से हमको कोविड को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमारी एक हेल्थ टीम और अंतर विभागीय पूरी तरह से समन्वय हमको बिठाना पड़ेगा कि दूसरे विभाग के साथ हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह से कार्य करे और ये कंटिन्यू हम लोग उसको कंट्रोल करने में भागीदारी वो हमारे साथ निभाए और हम लोग भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कमिश्नर के साथ बैठक भी हुई आपकी? कमिश्नर साहब के साथ बैठक अभी हुई थी हमारी, तो साहब के भी विशेष निर्देश है कि किस तरह से कंट्रोल को किया जाए, या लैब टेस्टिंग को किस तरह से बढ़ाया जाए, या टाइमली रिपोर्ट आ जाए। साहब के, हमारे कमिश्नर साहब के जो दिशा निर्देश है उनको भी 100% और हमारे जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन को भी फॉलो करेंगे। सर, बड़वानी और इंदौर में जो मरीजों में जो इजाफा हो रहा है, उसको लेकर किस तरीके से रणनीति रहेगी सर आपकी? हाँ, कि बड़वानी की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ पर जो रूरल एरिया जो एरिया है वो ज़्यादा है, अर्बन एरिया वहाँ कम है, तो वहाँ। और दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड के केसेस मिल रहे हैं उस हिसाब से हमारा, क्योंकि बड़वानी जिला जो है वो बॉर्डर पर लगा हुआ था, अब यहाँ पर क्या अर्बन एरिया है तो सोशल डिस्टेंस जो रखना चाहिए पब्लिक को, वो सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे हैं, इस वजह से भी यहाँ कोविड के काफ़ी हद तक केसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों में अब अवेयरनेस आ रहा है। उच्च अधिकारियों ने और प्रशासन ने अभी जो लॉकडाउन वगैरह का, नाइट का कर्फ्यू के जो कर किया है, उससे थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी, मगर फिर भी हमको लोगों में अवेयरनेस और मास्क का, सैनिटाइज का ये उपयोग ज़रूर करें और भीड़ भाड़ के एरिया से जाने से ज़रूर बचें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर बी एस सत्या, सीएमएचओ बड़वानी, मैं बड़वानी से, सीएमएचओ इंदौर, और बड़वानी में पहले मैं सिविल सर्जन और डीएचओ रह चुका हूँ वहाँ पर, और मैंने आज ही ज्वाइन किया है।